हाय फ्रेंड्स, मैं हेवाली, मेरी चैनल पे आपको स्वागत है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मैंगो श्रीखंड की रेसिपी। इस गर्मी के सीजन में ठंडा ठंडा मैंगो श्रीखंड खाने में आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, यदि आप मेरी चैनल पर नहीं आई है तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। श्रीखंड बनाने के लिए हमें चाहिए दही, तो मैंने यहाँ पर घर पर ही 1 लीटर दूध का दही बना लिया है। अब हमें इस दही से सारा पानी अलग कर लेना है। दही से पानी को अलग करने के लिए एक बाउल के ऊपर बड़ी वाली स्ट्रेनर ले लेना है। अब इस स्ट्रेनर के ऊपर एक सूती का कपड़ा ले लेंगे। अब हम दही को स्ट्रेनर के ऊपर लिया हुआ कपड़े के ऊपर डाल देंगे। देखिए, दही में जो पानी था वो धीरे धीरे बाउल में आके गिर रहा है। अब हम दही को ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे। तो दही में से लगभग सारा पानी निकल गया है। अब हम इस पानी को किसी एक दूसरे बाउल पर ट्रांसफर कर लेंगे। दही में अभी भी पानी बसा हुआ है, इसे निकालने के लिए कपड़ा को हाथ में ऐसा करके ले लेने के बाद धीरे धीरे प्रेस करते रहेंगे जब तक कि सारा पानी दही में से निकल ना आए। तो देखिए, दही में से लगभग सारा पानी निकल चुका है। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखकर, प्लेट के ऊपर एक भारी सी शीश रखकर लगभग 2 से 3 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे। हम यहाँ पे आम श्रीखंड बना रहे हैं, तो हमें आम तो लगेगा ही। तो मैंने यहाँ पे 2 पके हुए आम लिया है। एक आम को काटकर इसका प्यूरे बनाएंगे। अब जो भी एक आम रहेगा उसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो आम का प्यूरे बनाने के लिए सबसे पहले हमें आम को छिलका से अलग कर लेना है और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ा करके एक ग्राइंडिंग जार पर लेकर इसका प्यूरे तैयार कर लेना है। तो देखिए, मैंने आम का प्यूरे तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल पर निकाल लेंगे। दूसरी ओर दही को फ्रिज में रखते हुए लगभग 2 घंटा हो चुका है। अब हम इसे आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये लगभग पनीर जैसा हो गया है, क्योंकि दही में अब थोड़ी सी भी पानी नहीं बसा है। अब हम इस दही को किसी एक बड़ी सी बाउल पर ले लेंगे। दही को बाउल पर ले लेने के बाद अब हम इसे हैंड ब्लेंडर के मदद से लगभग 3 से 4 मिनट फेंट लेंगे जब तक कि ये दही से क्रीम जैसा दिखने ना लगे। तो मैंने दही को लगभग 3 मिनट फेंट लिया है और देखिए, दही हमारा क्रीम जैसा लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आम के प्यूरे जो हमने थोड़ी देर पहले बनाकर रखा था। इसके बाद ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच चीनी के पाउडर। सब किया हुआ कुछ काजू और सब किया हुआ कुछ बादाम। अब ये सब ऐड करने के बाद सारे चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैंने सारे चीजों को अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हमें इसे सेट करने के लिए 1 से 2 घंटा के लिए फ्रिज में रखना है। 2 घंटा बाद श्रीखंड को हमने फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसे साफ करेंगे। वाओ, देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है।
लग रहा है मैं इसे अभी खा जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, खा भी नहीं सकती क्योंकि आप लोगों के मुंह में भी पानी लाना है। अब हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई आम, सब किया हुआ काजू और बादाम से इसे सजा देंगे। तो आ गया है ना आपके मुंह में भी पानी, तो देरी किस बात की, आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके आम श्रीखंड बना ही डाले। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरी ये रेसिपी? अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, यदि आप मेरी चैनल पर नहीं आई है तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय।